अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू नेक्स्ट लेसन ऑफ इकरा जॉइंट हैंड राइटिंग सीरीज। बिफोर स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट लेसन, आई विल टेक योर स्मॉल टेस्ट एंड योर टेस्ट इज़ दैट कि यू हैव टू टेल मी कि व्हाट इज़ रूल नंबर 8 जॉब 1। ओके, आप वीडियो को पॉज करेंगे और अपना टेस्ट अटैम्प्ट करने के बाद आपने कोई सी 3 एग्जाम्पल भी लिखनी है रूल नंबर 8 से, और फिर आप लोग चेक करेंगे। इफ़ यू गॉट फुल मार्क्स तो दैट इज़ वेरी नाइस, अगर मिस्टेक है तो इसको अभी लर्न कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम मिस्टेक रिपीट नहीं हो। सो लेट स्टार्ट आर नेक्स्ट रूल, विच इज़ रूल नंबर 8 जॉब 2। ओके, लेट्स सी, आई एम गोइंग टू राइट फर्स्ट वर्ड विच इज़ गड फॉर यू। ओके, सी इट केयरफुली, फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड शुड बी गुड, राइट नीटली, alphabet size should be same and equal, there should be triangles on proper place, and tall upswing should be slightly slant. So next word which I'm going to write for you is dirty. See it carefully, formation should be good, slant, tall upswing should be slightly slant, and as I told you word is dirty, so there should be proper distance between the alphabets, writing should be very nice and good, and you have to take your time while you are writing so that you can write neatly. So let's write next word, birth. B ka loop should be good, touch the line, equal distance, and write neatly. That's all. So this is done. Birth. Okay, I'm going to write next word, circuit for you. See it carefully, writing should be good. I've made mistake and I'm correcting it. This is circuit. CUIT. So this is done. Right. Let's write another one. Thirsty. Writing should be good. There should be proper distance. Formation should be nice and correct according to the line. It's done. Thirsty. Clear? So these are the words which we have written. Let's read them one time. Gird, dirty, birth, circuit, thirsty. So you have to guess ke what is common between them. Yes, so what is common you have to guess. Yes, you are right. What is common? IR. R with IR is common between all the words. Gird, dirty, birth, circuit, and thirsty all have R with IR. And remember, I've told you a sentence which will help you to guess rule number 8, job 1, 2, 3, and 5. Yes, what was that sentence? Her first nurse works early. And that is the her
फर्स्ट फर्स्ट में जो आया रहता है अर दैट वन यस इट्स अ रूल नंबर 8 जॉब टू एंड आई हैव टोल्ड यू देर आर 5 स्पेलिंग्स विद अर लेट्स हैव अ लुक ऑन रूल नंबर 8 जॉब टू यस वी कैन सी दिस रूल नंबर 8 जॉब टू देर आर 5 स्पेलिंग्स फॉर अर हर फर्स्ट नर्स वर्क्स अर्ली एंड दिस इज दिस वन फर्स्ट में जो अर आ रहा है वो वाला है गर्ड डर्टी बर्थ सर्किट एंड थर्स्टी एंड दिस इज द ईजी वे टू लर्न दिस रूल ओके नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग ऑन योर कॉपी एंड वॉट वॉज द फर्स्ट रूल बाय द वे वॉट वॉज द फर्स्ट जॉब ऑफ रूल नंबर 8 इट्स आर ऑफ हर एंड नाउ वी हैव डन सेकेंड वन विच इज आर ऑफ फर्स्ट रिमेंबर ओके जी कीप दिस थिंग इन माइंड ओके लेट्स राइट ऑन कॉपी So this is a page number 15 and rule number 8 job 2 which is ar and there are 5 spelling for ar and this is second one okay and don't forget to write date while you are doing your work let's discuss the words now first word is gird aur iska meaning hota hai urdu mein ghena jaise ki picture mein bhi aap logon ko nazar aa raha hota hai jab hum log kisi cheez se khasar kar lete hain ya encircle kar lete hain apne gird to uske liye gird ka वर्ड यूज़ होता है लेट्स हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन इज़ कन्फर्म विच इज़ रेटिफाई करना या किसी चीज़ की तस्दीक करने के लिए कन्फर्म का या रेटिफाई का वर्ड यूज़ होता है नेक्स्ट वन इज़ सर्किट सर्किट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है समटाइम आप लोगों ने यह सुना भी होगा न्यूज़ में या वैसे कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है जिसमें समटाइम ऐसा कोई हादसा हो जाता है जिसमें शॉर्ट सर्किट हो और फिर आग लग जाती है तो दिस इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस इट्स अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस दिस इज़ कॉल्ड सर्किट जैसे पिक्चर में भी हमें नज़र आ रहा है नेक्स्ट वन इज़ बर्थ और बर्थ का मीनिंग आप लोगों को पता है पैदाइश ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन डर्टी एज यू कैन सी इन द पिक्चर एंड इट्स मीनिंग इज़ अनटाइडी या गंदा ओके नेक्स्ट वन इज़ थर्स्टी आप लोगों ने थर्स्टी क्रो सुनी होगी उसमें क्या था इसका मीनिंग यस व्हेन वी हैव फीलिंग अ नीड टू ड्रिंक तो दैट इज़ कॉल्ड थर्स्टी जब प्यास महसूस होती है ओके नेक्स्ट वन इज़ थर्टी दिस इज़ नंबर एज यू कैन सी इन द पिक्चर एंड लास्ट वन इज़ सर्कुलेट और इसका मीनिंग होता है पास फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और पर्सन टू पर्सन यानी कि मूव कॉन्टीन्यूसली इन अ स्पेसिफिक एरिया और प्लेस इज़ दैट क्लियर सो लेट्स राइट नाउ ओके आई एम राइटिंग फर्स्ट फॉर वर्ड फॉर यू विच इज़ गर्ड जी की फॉर्मेशन शुड बी गर्ड Yes, you have to write it like this. Okay, now let's write circuit. Take your time. Your alphabet should have to touch the line. Write neatly. Let's write next one. Okay, I'm going to write 30. Okay students this is done you have to do your work neatly and don't forget to memorize your rules and their jobs as well we'll meet inshallah next time allah hafiz